इंसान जीने मरने की कस्में वादे अक्सर फिल्मों में देखे गए हैं, असल जिंदगी में ये जरा सा अविश्वसनीय नजर आता है। लेकिन बुढ़ापे से परेशान 80 साल के पति पत्नी ने एक साथ मरने की सोची। इसके लिए वे ट्रेन के आगे भी लेट गए, लेकिन स्पीड कम होने की वजह से दोनों की जान बच गई। वहां मौजूद लोगों ने जब उठाया तो कहने लगे अब हमें जीना ही नहीं है। दोनों से समझाइश कर वृद्धाश्रम भेज दिया गया। मामला अलवर शहर के हसन खां के पास डबल फाटक का है। ट्रेन की स्पीड कम थी इसलिए दोनों की जान बच गई। जानकारी के अनुसार 82 साल के बाबू सिंह और 80 साल की छोटी देवी 10 साल से अलवर में रह रहे हैं। बाबू सिंह चौकीदारी करते हैं। दोनों भरतपुर के कुम्हेर के किशनपुरा गांव के रहने वाले हैं। दोनों के संतान नहीं है, ऐसे में अलवर शहर में ही झुग्गी झोपड़ी बनाकर अपना ठिकाना बना लिया। रेलवे के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के ट्रेडमैन मुकेश ने बताया कि सुबह गुरुवार सुबह 8 बजे जयपुर से गरीब रथ ट्रेन आ रही थी। हम डबल फाटक पर पटरी दुरुस्तीकरण के काम में लगे थे, लेकिन अचानक पीपल के पेड़ के पास बूढ़े पति पत्नी पटरी पर सो गए। मैं तुरंत उनकी तरफ दौड़ा। करीब 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ट्रेन आ रही थी। लोको पायलट को इशारा किया तो ट्रेन को रोक दिया गया। इंजीनियरिंग विभाग में ट्रेनमैन के पद पर काम करने वाले मुकेश कुमार इस घटना के प्रत्यादर्शी ही नहीं बल्कि उस बुजुर्ग दंपति को नया जीवन देने वाले भी हैं। मुकेश जब बाबू सिंह और उसकी पत्नी छोटी देवी को वहां से हटाया तो बताया उम्र के इस पड़ाव में उन्हें संभालने वाला कोई नहीं है। अब वे चौकीदारी करके थक चुके हैं। उन्हें लगा कि दोनों में से यदि किसी एक की पहले मौत हो गई तो उनका जीवन आगे कैसे निकलेगा। ऐसे में दोनों ने साथ में मरने की सोची। ये बोले कि चौकीदार का काम करने का दम नहीं रहा है, हमारी अपना कोई है नहीं, न संतान है न परिवार का कोई चाहता है। भरतपुर के कुम्हेर के किशनपुरा गांव में उनके चाचा ताऊ के परिवार हैं, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं है, न खुद का घर है, न कोई उनको संभालने वाला। इसलिए उम्र के आखिरी पड़ाव में दोनों ने एक साथ भगवान के घर जाने के लिए पटरी पर आकर सो गए। रेलवे में सीनियर सेक्शन मैनेजर इंद्राण मीना ने बताया कि ट्रेन की स्पीड केवल 30 की स्पीड पर थी, वरना बुजुर्ग दंपति की जान नहीं बच पाती। ये गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन थी। बुजुर्ग को रेलवे की पटरी से हटाने के बाद जावली को सूचना मिली। वे खुद शिवाजी पार्क थाने गए, वहां पुलिस से बातचीत की। इसके बाद बुजुर्ग को सम्मान के साथ डबल फाटक के पास स्थित गुरु नानक आसरा वृद्धाश्रम लाया गया। यहां दोनों को रखा गया है। अश्विनी जावली ने बताया कि हमने बुजुर्गों की काउंसलिंग की है, हमने कह दिया है कि आपके हम बच्चे हैं। एल्डर हेल्पलाइन ऐसे लोगों के लिए काम करती है, मैं भी उसी का हिस्सा हूं। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।